मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 59 मैथ क्लास 10th। ठीक है बच्चे, आज की 23 नंबर की वर्कशीट है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। यानी कोई ठोस जो है एक आकार से दूसरे आकार में चेंज होती है तो हमें क्या करना है, हम ये पढ़ेंगे आज। चलिए एग्जाम देखते हैं कि मान लीजिए ठोस मोम है या लोहा है, तो मोम ही मानते हैं। चलिए मोम की ठोस आकृति है, इसको जब हम गर्म करेंगे पिघलाएंगे दूसरी आकृति में हम बदल देंगे, यही होगा ना। ये देखिए तो क्या हुआ, ये जो जितना स्थान ले रही है यानी जिसका आयतन है वो तो सेम रहेगा। यानी एक ठोस आकृति को दूसरी ठोस आकृति में हम चेंज करेंगे तो एक चीज सेम रहती है जो कि है आयतन। ठीक है, रूप बदल गया है, घनाभ या घन से बेलन में ये चेंज हो गई है, लेकिन इसका आयतन वही रहेगा। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, यानी किसी भी ठोस आकृति को दूसरे में बदलेंगे पिघला कर, मोम या लोहा जैसे कोई भी धातु की भी हो सकती है, तो उसका क्या चीज सेम होगा, वो होगा आयतन। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। पानी से भरी हुई एक अर्धा गोलाकार टंकी है, ये टंकी है पानी से भरी हुई, को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। इसको खाली करना है, टंकी का व्यास 3 मीटर है, वह कितने समय में आधी हो जाएगी। यानी कि आधी समझ लीजिए कि जितना भी ये होगा उसका आधा, यही तो बोल रहा है ना वो, आधी कितने समय में हो जाएगी। पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो हमें गिवन क्या है, टंकी का व्यास 3 मीटर और अर्ध गोलाकार टंकी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 3/2। त्रिज्या की व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब अर्ध गोलाकार टंकी का आयतन कितना होता है बेटा, 2/3 πr³। इसमें हमने वैल्यू रख दी 2/3 π, r है 3/2 3/2 3/2। अब ये कटता है तो इसे काट दीजिए, तो ये हो गया। और कुछ कटता है, नहीं कट रहा है ना, तो इसको गुणा कीजिए, नीचे हो गया 7 × 14 × 28। एक और ये कट गया, इसे 11 तो 11 × 99 आ गया, 7 × 14 आ गया। ये है मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है बच्चे, तो मीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करते हैं, एज इट इज 1000 लीटर से इसको गुणा कर देंगे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हो गया, तो इसको 1000 लीटर से हम गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा लीटर में। तो यानी टंकी का आयतन जो है धारिता हो गई टंकी की 999000/14 हो गई, 99000/14 लीटर हो गई। ऐसे ही छोड़ दो इसे। अब कह रहा टंकी से निकाले जाने वाली पानी की मात्रा, पानी कितना निकाला जा रहा है, आधा, आधा पानी निकालेंगे तो आधा इसको कर देंगे, आधा मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी 99000/28 लीटर हो गया ये। ठीक है बच्चे, अब ये क्या कह रहा है, देख यहां से ध्यान देना आपको, 3/4/7 यानी कि 7×21=25, इसको बोलेंगे 25/7 लीटर, वो 1 सेकंड में निकालता है पानी। यानी 25/7 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा, तो 1 लीटर पानी निकालने में थोड़ा कम समय लगेगा। ठीक है, 1 × 1 के नीचे आ जाएगा 25/7, ये हो जाएगा 1/25/7, इसको पलटा है तो 1 × 7/25 हुआ। अब ज्यादा पानी बाहर निकालना है टंकी में से तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो हमारे पास आया था 7/25 उसमें हम ये गुणा कर देंगे। ठीक है, 99000/28, तो गुणा करके काटेंगे पीटेंगे 7×28 ऐसे काट लेंगे इसे, तो 999 सेकंड, इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि 990 सेकंड है, तो इसको आप 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे करना है, क्वेश्चन को टाइम निकालना है आपको 25/7।
हाँ 990 आएगा और 60 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है आपका ना। क्वेश्चन नंबर दो, बेलन बेलन में चेंज हुआ है, यहाँ लिखा ना बेलन बेलन यानी पिघला के बेलन ही बनाया गया। व्यास 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ है, यानी कोई धातु की छड़ हो गई ना। देखिए ये व्यास हो गया 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। छड़ को समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा गया। तार की मोटाई बताइए। देखिए यहां मोटाई तो समान नहीं होगी, मतलब ये बात ध्यान रखिए कि ये एक बेलन है, बेलन को दूसरे बेलन में चेंज करना है और इसकी लंबाई दे दिया, इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है कि इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दोनों के आयतन बराबर होंगे, इसका आयतन दूसरे तार के आयतन के बराबर, छड़ का आयतन तार के आयतन के बराबर होगा। छड़ भी बेलन है तार भी बेलन है, तो दोनों को आप बराबर रख सकते हैं। छड़ का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना इनका आयतन, इसका होगा पाई आर, आर है 1 मान लेते हैं, इसके त्रिज्या को आर 1 मान लेते, वो हो जाएगा 1/2, ठीक है, आर 1 स्क्वायर एच 1, इसके हाइट को एच 1 मान लेते हैं। तो दूसरे का आयतन क्या होगा, पाई आर 2 स्क्वायर एच 2, तो पाई से पाई कट जाएगा ना बेटा। आर 1 कितना है, 1/2 गुणा 1/2, यही है ना, अगुणा हाइट है 8 बराबर आर 2, आर 2 स्क्वायर तो हमें निकालना है, यानी इसकी त्रिज्या तो हमें निकालनी है और इसकी हाइट है 18 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमने इसे सेंटीमीटर बदल दिया, तो ये हो जाएगा आर 2 स्क्वायर बराबर आप से काट दीजिए 2/1800 यानी 1/900, तो आर 2 आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/30 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। तो व्यास कितना होगा, डबल हो जाएगा, 1/30 को 2 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/15, और 1/15 कितना आता है 0.06 आएगा, तो ये यहां देख लेना, यहां पर थोड़ा सा गलती है, 1/15 होगा ना, 1/15, तो ये आएगा 0.067, वही है, तो 0.7 अगर आप ले सकते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ मिलीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेंटीमीटर में है ना, तो हम इसको और आगे चेंज करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आया समझ में, दोनों आकृति एक आकृति को दूसरे में चेंज करते हैं, दोनों के आयतन बराबर होते हैं, तो हम बड़े आराम से दोनों के आयतन को बराबरी में रख सकते हैं और शॉर्टकट में आंसर हो जाएगा। जैसे अब ये देखिए शंकु गोले में चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मॉडल बनाने के लिए मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर वाले और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु है, देखिए तो ये 6 सेंटीमीटर आधार है, ये त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, बदलना किसे है, गोले में बदलना है, तो इसकी त्रिज्या को आर 1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को आर 2 मान लेते हैं, या एक छोटा आर एक बड़ा आर इस तरह से लिख सकते हैं आप। दोनों का आयतन बराबर है, तो शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां ध्यान देना है, और गोले का आयतन होता है, डायरेक्ट आप कीजिए इसी में, आप यहां लिख लीजिए, बल्कि देखिए 1/3 पाई आर क्या है, आर 1 मान लेते हैं स्क्वायर एच, और ये होता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आप एक आर 1 और एक आर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे नीचे आइए, पाई से पाई कट जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 और 6, एच है 24, 4 गुणा इसकी त्रिज्या निकालनी है, ये भी त्रिज्या लगाएगा 4 से 24, तो अगर हम देखें तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 6 क्यूब, तो आर बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, सीधा ये 3 लाइन में आपका आंसर हो जाता है। अलग अलग जरूरत नहीं, बस लिख दीजिए कि हाँ शंकु की ऊंचाई क्या है,
त्रिज्या क्या है, गोले की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है और हमारा काम खत्म। है ना इजी। जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो क्या बराबर होता है? आयतन बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघला के, इसको पिघला के, ध्यान देना है गोला है, गोले को पिघला के क्या बनाया गया है? बेलन के रूप में ढाला गया, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो हम गोला बना लेते हैं पहले। तो ठीक है, गोला बन गया। अब गोले को पिघला के एक बेलन बनाया गया है, ये हो गया, चेंज हो गया ये। तो क्या बराबर होगा दोनों में? ध्यान है ना, दोनों का आयतन बराबर होगा। ये आपका गोला होगा, सेंटर लेके आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा क्या है? 4.2 सेंटीमीटर वाले गोले को, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या R1 मान ले, 4.2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाला बेलन, और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, यहां से इसका हमने नाम दे दिया R1 और इसकी त्रिज्या को आप R ही छोड़ दीजिए। ये इसकी त्रिज्या है R और हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई यानी कि H निकालनी है हमें, फाइंड आउट। तो दोनों का आयतन बराबर, तो इसको लिख देंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, और ये होगा पाई R² H, पाई से तो पाई कट गया, 4/3 R है 4.2 और हमारे पास इसकी, हाँ इसकी त्रिज्या भी दे रखी है 6 × 6 × H निकालना है। ये हो गया 3 × 3 3 × 12, आप इसको इधर भेज दीजिए, तो H बराबर हो जाएगा 4 × 1.4 × 4.2 × 4.2 × 6 × 6, इसको काटिए, 6 × 7 = 42 0.7 0.7, अब इनको आप गुणा कर दीजिए, तो आप गुणा करेंगे 5.6 × 49 0.49, इसको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी H की 2.74 सेंटीमीटर। ये आ गया हाइट, बेलन की हाइट आ गई है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी है और को एक आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो देखिए टंकी कैसे आकार की है? बेलन आकार की। तो हम पहले टंकी रखने में बना दे रही हूं, ये टंकी है। अच्छा इसका व्यास है आपको पूरा डी मान ले, D1 मान लेते हैं, 10 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 10 की आधी होती है यानी कि 5 मीटर, मीटर में ध्यान देना है आपको। उसके बाद है एक पाइप है, पाइप यानी कि ऐसा पाइप है, कुछ वो पाइप से पानी भर रहा है इसके अंदर, इस तरह से यहां से आप पानी भर लीजिए। अब ये कह रहा है कि टंकी को पूरा भरना है। अब पाइप का व्यास यानी इसका व्यास हम D2 मान ले, वो है 20 सेंटीमीटर, ध्यान देना है। त्रिज्या 2 हो जाएगी फिर 10 सेंटीमीटर, पाइप की त्रिज्या हो जाएगी 10। ये पाइप है और ये टंकी है, ये टंकी है, तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, पहले तो यही सही करना पड़ेगा। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए या उसको मीटर में बदल दीजिए,
तो चलिए हम इसको मीटर में बदल देते हैं, 10/100 हिस्सा होता है ना, तो मीटर में हो गया, यहाँ 100 से भाग कर दीजिए, 1/10 आ गया त्रिज्या। अब कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, यानी ये चाल यहां से यहां तक 3 किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो ये 3000 मीटर 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब हमारे पास इसकी ऊंचाई भी आ गई, मतलब वो लंबाई जो है ऊंचाई आ गई, एच जो है हमने ले लिया 3000 मीटर। तो ये हो गया पाइप का और ये है बेलनकार टंकी का। अब हमें निकालना है सिंपल टंकी को भरने में लगा समय, तो हम लिखेंगे टंकी को भरने में लगा समय, कितना समय लगेगा, टंकी का आयतन ऊपर होगा, टंकी का आयतन क्योंकि टंकी को भरना है, बटा पाइप जो है, पाइप क्या है, बेलन है ना, वो भी तो बेलन का आयतन। तो टंकी का आयतन कितना होगा, दोनों ही बेलन है, पाई आर वन स्क्वायर। अच्छा इसकी हाइट दे रखी है क्या, हाँ टंकी की हाइट है ना 2 मीटर है, यहां से यहां तक लिखा हुआ है देखिए 2 मीटर। तो ये हो गया एच वन 2 मीटर, हाँ तो ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर एच वन, और दूसरी क्या है पाई आर टू स्क्वायर एच टू। ये आर वन आर टू क्या, क्योंकि दोनों त्रिज्या अलग अलग है तो हम अलग अलग नाम देंगे। तो इसका है आर वन कितना है, यहां 3000 लिख लीजिएगा आप, ये 3000 है, 3 0 है ना इसमें, 1 2 3। तो चलिए आर वन कितना है ऊपर से देख लेते हैं, 5 है ना, 5 × 5 × 2, एच है 2। ठीक है, इसकी त्रिज्या थी 1/10, 1/10 और लंबाई यानी एच हो जाए 3000, यहां लेंगे 2 0 से 2 0 कट गई, 5 6 30, 2 × 2 = 6, तो 5/3 आ गया। और ये क्या आया, घंटे आया ना, क्योंकि वहां पे घंटे था, तो 5/3 को घंटे को मिनट बदलिए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से हम गुणा कर देंगे तो यहां मिनट आ जाएगा, ध्यान देना है आपको। तो ये आ गया 20 20 5 100 मिनट, 100 मिनट में टंकी भर जाएगी, 100 मिनट यानी कि आप 100 घंटे में चेंज कर सकते हैं, 1 घंटा कुछ, या यहां से भी 1 घंटा निकाल सकते थे। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर आप छोड़ सकते, तो टंकी को भरने में 100 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है, होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग बताइएगा कि जब एक ठोस आकृति का दूसरे ठोस आकृति में रूपांतरण होता है, जैसे मोम या लोहा, तो आकृति तो बदल जाती है, क्या चीज होती है जो सेम रहती है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।